हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा स्टिचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा राउंड नेक कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करके बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, मैंने बुकरम लिया है, यहाँ से लंबाई जो है तो 8 इंच और चौड़ाई 5 इंच ले लिया है। तो यहाँ से हमें आधा इंच मार्क करना है और इधर से आधा इंच मार्क कर लेना है। तो ये हमारी खुली साइड है, तो इस निशान को हमने बराबर कर लिया और यहाँ से भी हम इस निशान को आधा इंच पे मैं बराबर कर लूँगी। तो यहाँ ये जो है तो बंद वाली साइड है, यहाँ पे मैंने बैक साइड की गले का निशान लगाया है 3 इंच और यहाँ से हमें गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ से हमें 1-1 इंच पे मार्क करना है। ऐसे इंची टेप लगा करके और 1-1 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है बराबर से। उसके बाद यहाँ पे गोलाई का शेप दे देना है। तो ये जो हमने निशान लगाया था, अब इन निशानों को आपस में मिला देना है, यहाँ बराबर करना और इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ऊपर से भी इसको बराबर से सेट कर लेंगे कि बराबर आए हमारा कॉलर, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कॉलर कटिंग इसकी हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से हमारा कॉलर बन के रेडी होगा, बराबर से सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं कपड़े को लूँगी। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और कपड़ा मैंने उल्टा बिछाया हुआ है। उसके बाद इसमें हम पिंस लगाएंगे ताकि हमारा बकरम इधर उधर बिल्कुल भी ना हो और बराबर से हमारा कॉलर सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है और जो कॉलर है, कॉलर के ऊपर हमें इतनी सिलाई लगानी है कि कॉलर हमारा दब जाए और ज़्यादा दबे भी ना, बस उसमें इतनी सिलाई लग जाए कि कॉलर हमारा उसी में सेट हो जाए। यानी 1-1 पॉइंट तक आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अंदर साइड मैंने कट कर लिया है, अब इसकी सारी पिंस निकाल करके बाहर साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। आधा इंच हमें छोड़ करके फिर कटिंग करना है। तो ये कपड़ा जो था तो डबल फोल्ड था, तो सिंगल कपड़े को हमें ऐसे रख लेना है और एक कपड़े को बाहर साइड कर देना, और इस कपड़े को ऐसे हमें फोल्ड करना है कि बकरम में एक भी झोल ना आए। नहीं, जब हम बकरम को सीधा करेंगे तो उसमें एक भी चुन्नट ना आए, बराबर से ये सेट हो जाए। तो ऐसे हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम कपड़े को बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो कॉलर मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे बीच बीच में और उसके बाद हमें एक सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। तो देखिए, इस बकरम को बराबर से पकड़ेंगे और ऐसे हमें निशान लगा देना है। उसके बाद कुर्ता का जो गला है उसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, कुर्ते को मैंने ऐसे उल्टा रखा हुआ है, कपड़ा हमारा उल्टा रखा है और बकरम भी देखिएगा, ये जो कॉलर है हमारा, तो जिसमें बकरम लगी हुई है, कॉलर लगी हुई है, उस कपड़े को नहीं लेना है। जहाँ पे कॉलर नहीं लगी वो कपड़े को हमें ऐसे लेना है और सेंटर पॉइंट से हमें इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ना तो हमें गले को खींचना है, ना ही हमें कॉलर को खींचना है, बराबर से हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कॉलर को लेके जाना और इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ से हमने कॉलर को निकाल लिया है। अब हम फिर से बीच सेंटर पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया था, बस वहीं से हमें फिर से सिलाई लगाना है दूसरे साइड के लिए।
तो ऐसे हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को हमें एक भी नहीं खींचना है, खींच देंगे तो कॉलर हमारा सेट से नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है तो मैंने कॉलर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो कॉलर एक्स्ट्रा आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमें चौक जैसे निशान लगा लेना है और उसमें गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे और यहाँ पे वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने निशान लगाया है बस वैसे ही हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। इधर साइड भी ऐसे ही हम सीधा करके और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो भी इसका कॉलर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और इधर साइड से भी हम इस कॉलर को कट कर लेंगे। और कॉलर को कट करने के बाद इसको हम ऐसे बराबर से फोल्ड कर लेंगे, पलटा देंगे। और पलटने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी ये इसमें सिलाई का कपड़ा दिख रहा था उसको हमें अंदर साइड करना है और उसके बाद इसमें कॉलर में सिलाई लगा देना है। तो अगर आप इस तरह से कॉलर लगाएंगे तो कॉलर में आपके एक भी झोल नहीं आएगा और बराबर से इसमें कॉलर अटैच होगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।